औरंगाबाद है, बेगूसराय है, इसके बाद नवादा है, नवादा भी एक सीट है, कटिहार है, बिल्कुल पूर्णिया। तारिक अनवर को लेकर कांग्रेस पूरी फील्डिंग की हुई थी कटिहार लड़ेगी, लेकिन कटिहार में पेच कहां पर फंस गया, कटिहार में पेच फंसा अशफाक करीम के साथ। पप्पू यादव को लेकर भी एक बड़ा थ्रेड तेजस्वी यादव को रहता है। अभी जो पप्पू यादव से डील फाइनल हुआ तेजस्वी का, वो लालू प्रसाद यादव के चलते हुआ, इसलिए लालू यादव अब कंडीशन रख रहे हैं कि पूर्णिया नहीं मधेपुरा से लड़ेंगे पप्पू यादव। ये बात लगभग फाइनल हो गया है कि बीमा भारती जो है वही पूर्णिया लड़ेगी संतोष कुशवाहा के खिलाफ। बेगूसराय में पिछले डेढ़ दो महीने से लगातार कांग्रेस फील्डिंग कर रही थी कि कन्हैया कुमार को लड़ाना है। कन्हैया कुमार जो वहां पर लड़ाई भूमिहार वर्सेस भूमिहारी होता है, और तेजस्वी यादव खुद भी इस बात को जानते हैं कि कन्हैया कुमार का बिहार में इमर्ज करना तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा थ्रेट, बड़ा चुनौती कन्हैया पेश कर सकते हैं, इसलिए उनको बिहार के राजनीति में स्टैब्लिश ही नहीं होने देना। हम लगातार एक बात बोलते हैं कि राजद इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है, बीजेपी को डैमेज करने के लिए लड़ रही है, और बीजेपी से अधिक नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए लड़ रही है। लालू यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीट पर सीट किसी को जाए, प्रत्याशी हम तय करेंगे। क्योंकि इस बार देखिए कांग्रेस की रणनीति बिहार में बार 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 असफल होते रही, ना कांग्रेस का जनाधार है आज के डेट में, ना उतना मजबूत संगठन है, संगठन के नाम पर सबसे कमजोर पार्टी कांग्रेस। कहा जाता है राजपूतों का सीट, लेकिन वहां पर जितने राजपूत है उनसे डेढ़ गुना अधिक उनसे अति पिछड़ा वोटर है। सिर्फ औरंगाबाद लोकसभा के बाद अशफाक करीम का परिचय दे देते हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, और इससे बड़ा परिचय है कटिहार मेडिकल कॉलेज, अल करीम यूनिवर्सिटी, मतलब खरपति आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के द्वारा और कहें तो आरजेड और सीपीआई के द्वारा अपने उम्मीदवार की घोषणा करने की शुरुआत जो है हो गई है। लालू यादव लगभग 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा एक तरह से कहा जाए सिंबल देके कर चुके हैं, और कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ। ये भी अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि कांग्रेस को कितने सीटें मिल रही हैं बिहार से उनके सहयोगियों के द्वारा। लेकिन आपको हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिसमें जिसको लेकर जो है कांग्रेस और राजद के बीच में तनातनी मचा हुआ है, और यही वजह है कि अभी तक महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और राजद को लेकर जो है वो सीटों का तालमेल और सीटों का कौन सीट पर कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। दो दिन से आप खबरें सुन रहे होंगे कि बिना कांग्रेस की सहमति के, बिना कांग्रेस से राय लिए हुए लालू यादव एक तरफा सीटों की घोषणा करते जा रहे हैं, उम्मीदवार को सिंबल देते जा रहे हैं, और ऐसे में संबंध जो है तनावपूर्ण होने की बातें भी आ रही है। कौन कौन से सीट है, क्या मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनाव की स्थिति आ गई है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित। उदित, हमेशा दो तीन दिन से ये खबर चल रहा है कि बिना कांग्रेस से राय मशवरा किए हुए और एक जो होता है ना कि एग्जैक्ट जो सीट शेयरिंग होता है वो किए बगैर लालू यादव लगातार सिंबल अपने उम्मीदवारों को देते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, तनाव है, झंझट है, और इसी की वजह से जो है पेच फंसा हुआ है? देखिए, लालू यादव ने ये बात स्पष्ट कर दिया है 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। हम लगातार एक बात बोलते हैं कि राजद इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है, बीजेपी को डैमेज करने के लिए लड़ रही है, और बीजेपी से अधिक नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए लड़ रही है। जो फर्स्ट फेज का चुनाव है आदेश जी, इसमें दो सीटों पर आप गौर करिए, नवादा से श्रवण कुशवाहा और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, मतलब कोयरी कुर्मी वोट और मुंगेर से अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं। इन तमाम सीटों पर कुर्मी कोयरी के समीकरण को लालू यादव साधना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा चर्चा नीतीश कुमार पर नहीं है। हमारा चर्चा है कि आखिर क्यों कांग्रेस और आरजेडी के बीच तानातानी है। लालू यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीट पर सीट किसी को जाए, प्रत्याशी हम तय करेंगे। क्योंकि इस बार देखिए कांग्रेस की रणनीति बिहार में बार 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 असफल होते रही, ना कांग्रेस का जनाधार है आज के डेट में, ना उतना मजबूत संगठन है, संगठन के नाम पर सबसे कमजोर पार्टी कांग्रेस, वाम का तो फिर भी संगठन होता है, वाम का गांव गांव में कार्यकर्ता होता है, कांग्रेस का वैसा कुछ नहीं। तो 6 सीट कांग्रेस को मिल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन
सीट पर और कौन सीट कांग्रेस को मिलेगा वो 6 सीट ये भी लालू यादव ही तय किए। अब बेगूसराय में चर्चा था कन्हैया कुमार लड़ेंगे, लेकिन वहां से अवधेश राय का नाम सीपीआई जो है वो कल डी राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दिया। औरंगाबाद से निखिल कुमार का चर्चा था कि औरंगाबाद सीट पर निखिल कुमार जो है जो 2004-09 के भी सांसद भी रहे, उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा को छोटे सरकार कहा जाता था पूरे मगध के इलाके में, बहुत दबंग नेता हुआ करते थे। उनकी पत्नी सत्येंद्र नारायण सिन्हा की माफ कीजिएगा, ये निखिल बाबू की पत्नी जो है वो भी सांसद रही है औरंगाबाद से। बावजूद इसके उनका टिकट काट कर और कांग्रेस की तरफ से ये लगभग तय हो गया था, 5 दिन पहले तक बात यही था कि औरंगाबाद कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस से निखिल कुमार ही लड़ेंगे, लेकिन वहां सब लड़ कौन रहा है, अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा को टिकट किसने दिया, लालू यादव ने, बिना कांग्रेस सरासला किए हुए। इसका स्पष्ट मतलब है कि लालू यादव ने फैसला कर लिया है कि इस बार औरंगाबाद फतह करना है। कैसे, अब जो चर्चा हमारा है कि क्यों पेच फटा हुआ है, देखिए इन्हीं 3-4 सालों इन्हीं 3-4 सीटों को लेकर, एक औरंगाबाद हो गया और कौन सी सीट, औरंगाबाद है, बेगूसराय है, इसके बाद नवादा है, नवादा भी एक सीट है, कटिहार है, बिल्कुल पूर्णिया में भी चर्चा हम करेंगे पप्पू यादव और बिनु भारती के भी। औरंगाबाद की जो हम चर्चा कर रहे हैं तो औरंगाबाद में निखिल कुमार का नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिया था, कांग्रेस मानकर चल रही थी कि हम ही ये सीट लड़ेंगे, लेकिन अब अभय कुशवाहा लड़ रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि निखिल कुमार वहां से सांसद रहे हैं 2004-09 के बीच, लेकिन जो पिछले बार वो चुनाव लड़े वहां से तो 55,000 उनको वोट आया था, मात्र 55,000 वोट, 14 में लड़ते, माफ कीजिएगा 14 में। और पिछले बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ आदेश जी, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी जब महागठबंधन का हिस्सा थी तो उनकी तरफ से कुर्मी जाति से आने वाले उपेंद्र कुमार चुनाव लड़े थे, और 2019 में उतना बड़ा मोदी लहर होने के बावजूद जहां पर बेगूसराय में गिरिराज सिंह 3 लाख वोट से जीते, बीजेपी हर सीट पे 2.5 लाख 3 लाख के मार्जिन जीत रही, उतना के बावजूद औरंगाबाद में उपेंद्र कुमार हारे तो मात्र 55,000 वोट से हारे थे चुनाव। इसका क्लियर कट मतलब था कि औरंगाबाद का जो अति पिछड़ा समाज है वो महागठबंधन को वोट किया, कहा जाता है राजपूतों का सीट, लेकिन वहां पर जितने राजपूत हैं उनसे डेढ़ गुना अधिक उनसे अति पिछड़ा वोटर है वहां पर, सिर्फ औरंगाबाद लोकसभा के बाद समझिए, यादव वोटर भी वहां पर 1.5 लाख के आसपास है, जो रफीगंज का साइड है, गया से जो छटता हुआ इलाका है वो पूरा यादव डोमिनेटिंग है औरंगाबाद का। तो उस समीकरण को साधने के लिए लालू यादव ने यह फैसला लिया कि अगर निखिल कुमार को सीट दिया जाएगा तो वो सीट हम हार जाएंगे। 2004 में जीते, लेकिन उस समय तब जीते जब दूसरा माहौल था, 20 साल हुआ वो पूरा दूसरा माहौल था, वाजपेयी जी का सरकार चला गया था उस समय, इसलिए अभय कुशवाहा पर लालू यादव ने दाव खेला, और ये दाव अगर सही लग गया तो औरंगाबाद सीट आरजेडी निकाल कर ली जाएगी, बीजेपी के सुशील सिंह को हारना पड़ेगा, सुशील सिंह वहां के कोई बहुत मजबूत नेता नहीं है, उनको हराया जा सकता है। आगे कटिहार पे आते हैं, कटिहार पर आते हैं, चलिए कटिहार में कांग्रेस तारिक अनवर, तारिक अनवर का परिचय का जरूरत नहीं है, मतलब गुलाम नबी आजाद इनके कैडर के नेता हुआ करते थे, कई बार कटिहार से वो सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तारिक अनवर को लेकर कांग्रेस पूरी फील्डिंग की हुई कटिहार लड़ेगी, लेकिन कटिहार में पेच कहां पर फंस गया, कटिहार में पेच फंसा अशफाक करीम के चलते, अशफाक करीम का परिचय दे देते हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, और इससे बड़ा परिचय है कटिहार मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी, मतलब खरपति आदमी वो है अशफाक करीम। अशफाक करीम के बारे में कहा जाता है कि वो आरजेडी के बड़े फंडर में से भी एक है, लोकसभा का चुनाव है, सभी पार्टियों को वैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो अशफाक करीम को पहले ही सिंपल लालू यादव ने दे दिया था, कटिहार आप ही लड़िएगा अशफाक बाबू, क्योंकि इस बार उनका राज्यसभा का जो टिकट है वो भी कट गया, और कहा गया कि मनोज झा को रिपीट कराया गया, निसाब और इनको रिपीट कराया गया, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो दो लोग आरजेडी से गए उसमें अशफाक करीम का टिकट काट कर, और ये टिकट इसीलिए काटा गया क्योंकि अशफाक करीम को कटिहार लोकसभा लड़ना था। अब वहां पर पेच फंस गया, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने खड़ी हो गए, तारिक अनवर वर्सेस अशफाक करीम, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस। तीसरा सीट पर चला जाए बेगूसराय, बेगूसराय में पिछले 1.5-2 महीने से लगातार कांग्रेस फील्डिंग कर रही थी कि कन्हैया कुमार को लड़ाना है, यहाँ कन्हैया कुमार चूंकि वहां पर लड़ाई भूमिहार वर्सेस भूमिहारी होता है, लेकिन लेकिन मनोज झा जो है, जो खबरें हम तक आई हैं वो हम बता रहे हैं, मनोज झा तेजस्वी यादव को बार बार समझा रहे थे, और तेजस्वी यादव खुद भी इस बात को जानते हैं कि कन्हैया कुमार का बिहार में इमर्ज करना, उनका अगर बड़ा एक मतलब अगर वो कोई लोकसभा सीट जीत जाएंगे कन्हैया कुमार तो यहाँ के नेता बन जाएंगे, और फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ तेजस्वी यादव,
तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा थ्रेट, बड़ा चुनौती कन्हैया पेश कर सकते हैं, इसलिए उनको बिहार के राजनीति में स्टैब्लिश्ड ही नहीं होने देना है, स्थापित ही नहीं होने देना है। इसीलिए वहां से अवधेश राय का नाम खुद लालू यादव ने तय किया और वो सीट वाम को दे दिया कि भाई ना मेरा रहेगा ना कांग्रेस का रहेगा। वो सीट कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा विवाद होता, उतना बड़ा विवाद निखिल कुमार या तारिक अनवर को लेकर नहीं होगा। इसलिए वो सीट लालू यादव ने अपने पास रखे, ना कांग्रेस को जाने दिए, सीपीआई को दे दिया, अवधेश राय का नाम खुद लालू यादव वहां से डिक्लेयर करा दिया। ये भी एक बड़ा पेच फंसा यहाँ पर। इसके अलावा एक और सीट जिसको लेकर मतलब कंट्रोवर्सी है, पूर्णिया लोकसभा सीट आ गई थी। देखिए तीन चार दिन पहले पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए, उसके पहले तस्वीरें आए जिसमें पप्पू यादव जो है वो जाकर लालू यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं। लेकिन पप्पू यादव को लेकर भी एक बड़ा थ्रेट तेजस्वी यादव को रहता है। अभी जो पप्पू यादव से डील फाइनल हुआ तेजस्वी का, वो लालू प्रसाद यादव के चलते हुआ। इसलिए लालू यादव अब कंडीशन रख रहे हैं कि पूर्णिया नहीं मधेपुरा से लड़ेंगे पप्पू यादव, और बीमा भारती जो जदयू की विधायक है वो लगातार संपर्क में है लालू यादव से, और ये बात लगभग आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं कि ये बात लगभग फाइनल हो गया है कि बीमा भारती जो है वही पूर्णिया लड़ेंगी संतोष कुशवाहा के खिलाफ। तो वहां पर यादव मान जाएंगे। अब पप्पू यादव के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे लगता है कि पप्पू यादव के पास कोई ऑप्शन है, पप्पू यादव को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ही सरेंडर कर दी है। कांग्रेस को आज कहा, देखिए ना कांग्रेस की आज ये हैसियत बची है बिहार में कि सीट मांगना छोड़िए विरोध तक नहीं कर पा रही। अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि हमको तो कोई जानकारी ही नहीं, जाकर वहां दंडवत कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के पास कोई विकल्प नहीं है, मधेपुरा के ज्यादा दाम से मधेपुरा पप्पू यादव लड़ेंगे, उसको लेकर भी एक दुविधा जो है वो चल रही है। सासाराम सीट को लेकर, वो कांग्रेस की सीट रही है, मीरा कुमार वहां से बहुत समय तक जो है वहां से सांसद रही है, उस पर भी लगता है क्या लालू यादव कुछ खेल करेंगे? नहीं, ससराम को लेकर तो जहां तक मेरी खबर है ससराम सीट लगभग कांग्रेस को दिया जा चुका है, ससराम तो कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन मामला वही है आदेश जी कि ये जो चार पांच सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, औरंगाबाद कह लीजिए, पूर्णिया कह लीजिए या बेगूसराय कह लीजिए, इन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ। एक खबर ये भी आई कि नवादा से जो श्रवण कुशवाहा का टिकट फाइनल किया गया, राजबल्लभ यादव भड़क गए। राजबल्लभ यादव जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है कि वहां से, लेकिन वो सीट जब राजद मतलब जब सिंबल मिल गया वहां से, तो अब कोई विकल्प नहीं। उदित क्या लगता है कि लालू यादव जो है वो ये चाहते हैं क्या कि जो उनके कोटे का सीट है ज्यादा से ज्यादा वो जदयू और चिराग के खिलाफ ही लड़े, कांग्रेस और वाम को बीजेपी के खिलाफ ज्यादा रखे? देखिये मेरा निजी तौर में मानना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर बीजेपी से जो लोग कहते हैं, जो चर्चा भी होती है कई वीडियो पर मैंने देखा कि बीजेपी से लालू यादव का डील है कि बीजेपी को कम डैमेज करेंगे, जेडीयू को ज्यादा डैमेज करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, औरंगाबाद में अगर सुशील कुमार हारते हैं अभय कुशवाहा, तो किसका डैमेज होगा? बीजेपी का ही डैमेज होगा ना। अगर बेगूसराय से अवधेश राय जीत जाते हैं किसका डैमेज होगा? बीजेपी का ही डैमेज होगा ना। तो ये बहुत तथ्यात्मक बात नहीं, ये बहुत तथ्यात्मक बात नहीं है जो मेरी खबर। इसलिए इसमें कोई बहुत दम नहीं आते थी, लालू यादव डट कर लड़ रहे हैं और बहुत रणनीतिक तौर पर, बहुत मतलब चुन कर फैसला ले रहे हैं कि औरंगाबाद से यही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारे जाति समीकरण उनके पक्ष में, यही गुणा गणित है। ये सीट देखिए सुलझ तो जाएगा, छह सीट कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन कब सुलझेगा? हो सकता है कि अंतिम चरण की लड़ाई दिख जाए, सातवें फेज तक की लड़ाई दिख सकता है। लालू यादव बैठ कर मचाली पर टिकट बांटते रहेंगे और अखिलेश बाबू दौड़ दौड़ के जाकर वहां पर हाजिरी लगाते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लालू यादव जो है वो प्रमुख भूमिका में, और कहा जाए तो इस बार महागठबंधन ने जो ड्राइवर सीट जो है उस पर लालू यादव बैठे हुए हैं और वही डिसाइड कर रहे हैं कि किसे कहां से लड़ना है और किसे कौन सा सीट मिलना है। हालांकि पहले ऐसा होता नहीं था, पहले ऐसा होता था कि सभी जो सहयोगी दल होते हैं वो अपने मजबूत सीटों को लेकर पहले ही दावा कर देते हैं, लेकिन इस बार लालू यादव कांग्रेस को सीट देने को तैयार हैं, लेकिन कौन सी सीट जरूरी है उनके लिए, कि कौन सा सीट आरजेडी में रह के ज्यादा फायदा हो सकता है, कौन सा कांग्रेस में रह के ज्यादा फायदा हो सकता है, ये डिसाइड करने वाले सिर्फ और सिर्फ लालू यादव हैं, और कांग्रेस जो है बस उनके आज्ञा, उनके आदेश और उनके क्रियाकलाप को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो देखिए विरोध होता भी है या नहीं होता है, कांग्रेस जो है इसी तरह स्वीकार कर लेती है या फिर कुछ बगावती तेवर भी अपनाती है, लेकिन इन सब के बीच में बता दें कि कई सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में विवाद है, और उस विवाद के कारण ही सीटों की संख्या और
किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार होंगे ये अभी महागठबंधन के द्वारा संयुक्त रूप से नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।